अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरे दिल से दुआ है कि आप भी अच्छे रहो। माशाल्लाह, कल का जो भी मैंने दिन बीता, थोड़ी सी कोशिश करी थी अपने यूट्यूब में आप लोगों के साथ बातें शेयर करने की, पर वक्त के कारण और कुछ जल्दी के कारण मेरा यूट्यूब पे मैंने एडिटिंग भी बराबर नहीं कर पाई। पर खैर, कोई बात नहीं, लेकिन दिल की बात छुप नहीं पाई। आवाज़ तो पूरी क्लियर आ रही थी, थोड़ी सी उसमें दिक्कत हो रही थी, कोई बात नहीं। आज के व्लॉग में इंशाल्लाह आगे की सारी बातें शेयर करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि अल्लाह ने फिर से मेरे बच्चे को क्या मौका अता किए है जो अपनी माँ के लिए वो कर सके, और फिर साबित हो गया कि मेरे लिए कौन से कंधे मजबूत है और कौन मेरे लिए मुकर्रर एकदम मुकम्मल बन के खड़े है एक पिल्लर की तरह। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मजबूत हूँ, लेकिन शायद मेरी मजबूत रहने के पीछे पहले मेरी माँ थी, फिर मेरे पहले शोहर थे, फिर अब तो मेरे बच्चे लायक हो गए जो मेरे लिए मजबूती से खड़े हो गए, और एक कहीं ना कहीं हिस्सा आप लोग भी हो जो चाहे अनजान हो चाहे ओझल हो, लेकिन हो मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं मायने हैं आप लोगों के। और फिलहाल अभी मेरी जिंदगी में जो मेरी ये चल रही है प्रॉब्लम, तो इस पर हमेशा मैंने मिठास की और खूबसूरत चीज़ों की जिंदगी में जगह रखी और उसी को हमेशा अपने ख्यालों में रखा था। लेकिन आज पता नहीं क्यों, जब ये रात को कल ये सब चीज़ें हुई, कल आने के बाद मैं काफ़ी लेट सोई और जल्दी सुबह उठ गई, तो बस उठी तो वो मीठी यादों से मेरी ध्यान हट के किसी और तरफ मेरा ध्यान गया, तब जाके याद आया, तब जाके मेरी आंखों के सामने वो सारी चीजें खुलने लगी जो शायद मैं ख्यालों में भी नहीं रखी थी, भूल गई थी उसको। तो अब समझ में आ रहा है कि जिंदगी कहाँ से कैसी साजिशें शुरू हुई, और उस साजिशों में भी मैंने अपने जिंदगी को प्यार की नजर और प्यार की तरफ वो ध्यान रखा, तो शायद इसीलिए मैं हमेशा प्यार की बातों पे ही तवज्जो रहा, मेरा उस बातों में ध्यान ही नहीं रहा। पर खैर, अल्लाह कहते हैं ना कि अल्लाह पाक सब वक्त के हिसाब से करते हैं, और ये अल्लाह की मर्जी है कि मेरे जहन में अब वो सब बातें उठने लगी, और जब उठने लगी तो उस तरफ मेरा ध्यान गया, तवज्जो गया, और मैं मतलब सोचने लगी कि कैसे ये सब चीज़ों की शुरुआत हुई है, क्या हुआ इस तरीके से। तो खैर, बहरहाल बहुत सारी चीज़ें अब जहन में आई है, बहुत सारी चीज़ें घर में से भी कुछ हुई है, तो और बहुत सारी चीज़ें बाहर से जो मेरे कानों में आती है। आई थिंक 3 से 4 लोगों से तो मैं अब तक ये बातें सुन चुकी हूँ पर्सनली, बाकी तो बहुत सारी ये बातें हुई होगी क्योंकि बातें फैलाने वाले, बातें बयान करने वाले तुम्हारे घर के ही मेम्बर हैं। तो फिलहाल वो बातें क्या मेरे पास आई और क्या मेरे घर में से शुरुआत हुई और क्या मिसिंग है, इंशाल्लाह व्लॉग के जरिए अब सब पर्दे खुलेंगे। फिलहाल तो आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो इंशाल्लाह मैं लगा रही 19वां पारा, पहले ये शुरुआत, फिर बाद में जो मुझे सरकार ने याद दिलाए कि ये जिंदगी में, ये जिंदगी के साथ ये हुआ था, इसके जहन में याद करो, तो मैंने बोला हाँ ये भी याद करना ज़रूरी है। खाली मिठास से और खाली फूलों से काम नहीं चलता, क्योंकि फूलों के साथ कांटे भी रहते हैं, तो मैंने हमेशा कांटों को अलग किया, फूलों को दिखाया, तो अब मुझे लगता है कि कांटे दिखाने की भी बारी आ गई है, तो इंशाल्लाह व्लॉग में सब दिखेगा। यहाँ तो बस अल्लाह की बातें शुरुआत, और इंशाल्लाह वही दुआ आपके और मेरे घर में हमेशा खुशियां बने रहे, हम लोगों की जिंदगी में हमेशा सच्चाई रहे, और हम लोगों की जिंदगी में हमेशा प्यार मोहब्बत के लोग, या अपने हो या पराए, जुड़े रहे। बस यही दुआओं के साथ 19वां पारा हमारे घर में, मेरे और आपके घर में शुरू होने जा रहा है।